राजधानी लखनऊ में हमने आपको एसएससी चाय वाले से मिलवाया, डॉक्टर चाय वाले से मिलवाया, अब राजधानी लखनऊ में एक और चाय वाला है जो यूनिक है, वो है बीएससी चाय वाला। हम उनसे जानेंगे कि उनके नाम के पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है और उन्होंने ऐसा चाय का स्टॉल लगाया है उसमें क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम युवराज है। मैं बीएससी करते करते मैंने सोचा कि एक चाय का ठेला लगाते हैं तो मेरा यूनिक है। मैंने बहुत पूरे लखनऊ में घूमा क्योंकि सभी ने सर स्टॉल लगा के रखा है, तो मैंने यूनिक डिसाइड किया तो मैंने चाय का ठेला स्टार्ट किया। तो मेरा 6 महीने का हो गया सर, तो मैं धीमे धीमे करते करते सर धीमे धीमे यहाँ पे मतलब पहुँचा हूँ, जहाँ पे हूँ मतलब सही अब चल रहा है रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे ठेले पे आए मेरा इंटरव्यू लेने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सर रिक्वेस्ट किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद मतलब शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप मेरे ठेले पे आए। ये बताइए आप किससे इंस्पायर होकर चाय का स्टॉल लगाया आपने? सर सर्वप्रथम तो पहले मैंने प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल के तौर पे अगर यूनिक देखा जाए तो एमबीए चाय वाला जो चल रहा है, क्योंकि मैं गांव गया तो मैंने बताया कि एमबीए चाय वालों को देख के मैंने स्टॉल चालू किया, तो किसी ने सब लोग मतलब मजाक उड़ाया सर, तो मैंने कहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा आके गाँव से आके लखनऊ में आके मैंने सोचा कुछ इसको चेंज करके कुछ यूनिक नाम सर नाम रखते हैं, तो मैंने देखा कि मतलब प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे चाय सर बेची है, तो मैंने आगे लोगो लगाया। पहले पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने इजाज़त मांगी कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है आप फ़ोटो नहीं लगा सकते हो मगर आप नाम रख सकते हो, तो मैंने नाम रखा है। कहाँ से हैं आप? सर मैं तो यूपी के एक छोटे से गाँव है, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ, तो मिडिल क्लास से हूँ, यहाँ पढ़ाई करने आया था, तो पढ़ाई के साथ साथ मेरे पास सर टाइम ज़्यादा बच जाता था, तो टाइम के बचने मतलब मैं अपनी जनरेशन के लड़कों को ये देखता हूँ सर घूमते रहते हैं, तो मैं उनको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर के साथ साथ आप अच्छी खासा मतलब अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठेला लगाना कोई बुरी बात नहीं सर, आप भी एक पत्रकार है, आप भी एक अच्छे अहदे पे हैं, आप भी एक काम कर रहे हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस करने के उसके अलग अलग तरीके होते हैं। सर प्यून भी अपना काम कर रहे हैं, बीएससी चाय वाला भी अपना काम कर रहा है, बस सर करने के तरीके अलग अलग होते हैं। बीएससी चाय वाला कहाँ से कॉन्सेप्ट आया सर? ये तो सर एग्जांपल के तौर पे अगर आप मानेंगे तो हम ये पूरा वो देंगे सर एमबीए चाय वालों को ही, मगर मैं इंस्पायर पहले से हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से। आप बीएससी कर रहे हैं? जी कहाँ से? सर मेरा तो कॉलेज अटैच, मेरा गाँव में कॉलेज है जो अटैच है वो कानपुर यूनिवर्सिटी से, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी से है सर। सर मेरा फर्स्ट ईयर है। बीएससी कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं आप जी, तो जी। आगे का क्या प्लान है? आगे का सर यही है कि प्लान नहीं है कि ये जिद है सर, इसको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना है। मैं आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, आपने अभी देखा भी होगा मेरा मतलब मेरा यूट्यूब चैनल भी होगा, आपने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट हैं मैं फ्री चाय पिलाता हूँ, और आपके न्यूज़ चैनल से मैं वो यही कहना चाहता हूँ कि जितने मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से आते अलग राज्य से आते जो स्टूडेंट आते हैं उनको मैं फ्री चाय पिलाऊंगा, मतलब इतना तो हो नहीं सकता जितना मेरे से होगा उनको फ्री चाय, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने को लखनऊ आते हैं तो मेरे ठेले पे आए, आप गूगल मैप के थ्रू भी आ सकते हैं बीएससी चाय वाले के पास, उनको फ्री चाय दिया जाएगा सर। किस किस लोगों के लिए फ्री चाय? सर स्टूडेंट कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम कोई भी हो मतलब कोई भी एग्ज़ाम है तो आप आ सकते हैं, आइए लखनऊ में, अगर आप कहीं भी हैं लोकेशन डाल लीजिए बीएससी चाय वाला, सीधा आप यहीं पर आएंगे सर। जी आर्मी वालों को दही वो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं सर। जी और ये बताइए घर वालों को पता है आप यहाँ स्टॉल? जी पहले सर नहीं पता था स्टार्टिंग में, जब उसके बाद 2-3 महीने के बाद पता चला तो मैंने पैसे भी देने चालू कर दिए, क्योंकि हम लोग भी इतने बड़े फैमिली से नहीं है तो पैसे देने लगे, तो घर वालों ने कहा ठीक है अच्छा है, नौकरी से बेटर है सर अपना बिजनेस करना, अभी सर छोटा है अभी जिद है इसको ऊँचे लेवल पर ले जाना है। घर में कौन कौन है? घर में सर हम ही है सबसे बड़े, तो हम ही हैं, मेरे पापा तो हैं नहीं दुनिया में, तो मेरी माँ है और अंकल लोग हैं, मतलब अच्छी फैमिली से हैं घर में, यही है सर। और इसके आगे का क्या प्लान है आपका? इसके आगे का मेरा प्लान यही है, जैसे खान सर से मैंने इंस्पायर हुए थे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई करते थे खान सर से, तो मेरा यही है कि मतलब जो हर जगह चाय के रेट मतलब डिफरेंट देखने को मिलते हैं, हाई लेवल पे देखने को मिलते हैं। चूँकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी काफ़ी टफ है, तो पढ़ाई के साथ साथ इसका तालमेल कैसे बैठा रहे हैं? सर अगर मैनेज करना चाहे हर एक लड़का मैनेज कर सकता है सर, इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि अगर कोई डे नाइट भी पढ़ता है, अगर कोई मतलब पढ़ने वाला लड़का है तो 2-3 घंटे भी पढ़ के मैनेज कर लेता है सर, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, केवल हम लोग उसको टफ बना देते हैं सर। कितना टाइम लगाते हैं यहाँ चाय? सर ऐसे मानेंगे तो 6-7 घंटा लगाते हैं सर। सुबह कितने बजे? सुबह मॉर्निंग में वही 10 बजे आते हैं सर, शाम को वही इवनिंग में 5-6 बजे चले जाते हैं सर। जी
अब हम आपके चाय के बारे में पूछेंगे, कितने प्रकार की चाय बनाते हैं सर? हमारी चाय तो ऐसे है, मैंने रिसर्च नहीं की, मगर फिर भी इतना ज़्यादा कॉपीराइट भी नहीं है। मसाला चाय हो गई और गुलाबी चाय हो गई, एक मैंने स्पेशल चाय मैंने खुद से बनाई है, मतलब बनाना सीखा रूम पे। पहले पढ़ते टाइम से कोचिंग जाने के पहले रूम पे बना के पीते थे सर चाय, तो वही चाय मतलब स्पेशल चाय जो 20 रुपए की है। ऐसे तो मेरे पास तरह तरह की चाय, मसाला चाय हो गई और ऐसे सिंपल चाय हो गई, कुल्लड़ चाय हो गई, अदरक चाय हो गई, ऐसे ही है सर, इतने ही प्रकार की चाय है मेरे पास। आपने कहा आप सुबह से शाम तक स्टॉल लगाते हैं, तो कॉलेज कब जाओ? सर कॉलेज ऐसा है सर, कॉलेज तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बीएससी छोड़ देंगे। अभी तो छोड़ा नहीं है सर, अभी मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे सर, क्योंकि बिजनेस को ये जिद है, तो बिजनेस को ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा। अभी 6-7 महीने दे चुके हैं, और भी सर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। आप मतलब बिजनेस के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं? जी छोड़ना पड़ेगा ना, वो तो सर इतना तो पढ़ाई कर ही लिए कि सर मतलब आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर लें, वही पढ़ाई का वैल्यू होता है कि हम कैसे दूसरे से बात कर पाते हैं, वही होता है सर। लेकिन आप इंस्पायर हुए MBA चाय वाले से, MBA चाय वाले ने MBA किया, उसके बाद उसने चाय, आप तो BSc भी कंप्लीट नहीं कर पाए? जी नहीं सर, वो सोचेंगे अभी तो, मतलब मैंने उनकी ज़्यादा सर की बायोग्राफी तो पढ़ी नहीं है, मगर इंस्पायर की अगर एग्जांपल के तौर पे है, MBA चाय वाला एग्जांपल है मेरे लिए। मैं तो इंस्पायर हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि पहले सर डर लगता था क्योंकि हम स्टूडेंट है, कहीं मोदी जी का नाम लिख लें, कहीं मतलब पुलिस वगैरह पकड़ ना ले। जब से ये डर खत्म हुआ सर, तो मैंने सर लोगों से इजाज़त मांगी, क्योंकि अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा मेरा, और मुझे अगर माना जाए जहाँ तक तो यूपी पुलिस ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। लखनऊ की पुलिस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग तौर पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ पे लाके खड़ा किया। चाय आप गुलाबी चाय, आपकी कौन सी चाय? मेरी सर फेवरेट गुलाबी चाय है सर। कैसे बनती है सर? ऐसे ही सब कुछ डाल के उसके बाद गुलाब डाल देते, गुलाब की पत्ती ऊपर से डाल देते। अभी तो सर ख़त्म हो गई मेरे पास, क्योंकि आज मतलब दुकान लगाने के मूड में नहीं थे, क्योंकि फीवर भी आ गया था, बुखार था, तो वही है सर। राजधानी लखनऊ की जनता किस प्रकार की चाय पसंद करती है? सर आई थिंक मेरे पास तो जो चाय अभी इस टाइम निकल रही हो, मसाला चाय हो गई और अदरक चाय सर ज़्यादा जा रही, क्योंकि अब डाउन भी हो रहा है, क्योंकि गर्मी आ रही, धीमे धीमे गर्मी आ रही, मगर हम लोग सोचेंगे यही कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि क्योंकि एक बार मौका दें, हमको भी मौका दें आके हमारे ठेले पर चाय पी के जाएँ। अगर सर फ्रेंचाइजी खोलना होता तो हम हर एक स्टेट में खोल सकते, कैनोपी लगा सकते, मगर सर मेरा यही यूनिक है सर, क्योंकि मेरा ठेला है, मेरे ठेले पे आइए। अगर आपकी चाय अगर अच्छी नहीं है, अगर मेरी चाय अच्छी नहीं, अगर आपको चाय अच्छी नहीं लग रही, आपको हम चाय पिलाएंगे, पैसा भी आपसे नहीं लेंगे। अगर आप बोलते हो आपकी चाय अच्छी नहीं है, मतलब आप चाय पीजिए, एक बार मौका दीजिए, अगर चाय मेरी अच्छी नहीं है तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। और जहाँ तक मैंने आपके मतलब पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी स्टेट से मतलब लड़का है लखनऊ एग्ज़ाम देने आता है सर, अगर एग्ज़ाम देने आ रहा है लखनऊ से, तो यहाँ पे लखनऊ में एग्ज़ाम देने आ रहा है, तो उसके लिए फ्री चाय किया जाएगा। मतलब जितना हम कर सकते, कहीं कोई भी स्टेट का हो, आसाम हो गया, कोलकाता, कहीं भी मतलब दिल्ली हो गया, राजस्थान, कोई भी अगर लखनऊ में आता है तो उसको फ्री चाय दिया जाएगा सर। रेट की अगर हम बात करें तो क्या क्या रेट है आपके पास चाय? सर रेट वही है जो सबके रहते हैं, नॉर्मल ही रेट है सर, 15-10 यही है सर। 20 गुलाब चाय कितने? गुलाबी चाय अभी तो सर मेरी, अभी तो मार्केट मेरी ज़्यादा उछाल है, अभी 15-20 रुपए निकाल ले सर। अब हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि युवराज चाय कैसी बनाते हैं? चाय बढ़िया, अच्छा है, बहुत टेस्टी है चाय, कम पैसे में अच्छा चाय। कैसी चाय बनाते हैं भैया? बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, सबसे अच्छी चाय हमको यहीं लगते है, कहीं हम जाते हैं यहीं चाय पीने आते हैं। भैया चाय बहुत बढ़िया बनती है यहाँ की, मजा आ जाता चाय पीने, चाय बहुत बढ़िया बनती है, और किसी बात पैसा भी ना हो वो भी फिर भी पिला देते हैं। चाय से चाय बढ़िया लगती है, कम पैसे में देते हैं, चाय बढ़िया देते हैं, पैसे हो ही ना हो चाय दे देते हैं। कैसी लाए? चाय दे देते हैं, बहुत अच्छी चाय है भाई। नहीं पैसा होता तो मिल जाती है चाय, पैसा हो चाहे ना हो, अपनी दुकान है, बढ़िया चलती है, अब शुरुआत करी नहीं है, बढ़िया चलेगी। आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा, मेरी तरफ से कोई बदतमीजी करे उसको पहले मारूंगा, उसके बाद समझूंगा। कब से चाय पी रहे हैं इनके पास? हम यहाँ रोज पीते बाबूजी, सुबह घर पे नहीं पी के आते, यहीं पीते हैं। यहाँ क्या करते? यहाँ लेबर की करते बाबूजी, पत्थर की गाड़ी वाली उतरवाते हैं। तो आपने देखा यहाँ के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री में चाय तक पिला देते हैं। और इनकी चाय की बात करें तो इनकी खास चाय है गुलाबी चाय, वो गुलाब की पत्तियों से बनाते हैं, और ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार बन रहे हैं जो दूर से एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। खासकर इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने पोस्टर लगा के रखा है कि उनको फ्री में चाय देंगे। और युवराज की चाय के बारे में हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं,
वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ नितिन त्रिवेदी, वी न्यूज, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।